राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा शहर के पहले मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ इंदिरा नगर में हुआ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा शहर का पहला मध्यस्थता केंद्र का पवार मध्यस्थता केंद्र के नाम से इंदिरा नगर में शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद जैन ने फीता काटकर पवार मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ किया और लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र के माध्यम से कोर्ट में लंबित घरेलू हिंसा व आपसी विवाद के दोनों पक्षों की सहमति से केंद्र में ही समझाइश देकर मामले को निपटा जाएगा। इससे दोनों पक्षकारों का कोर्ट में होने वाले फालतू खर्च व कम समय में कोर्ट से छुटकारा मिलेगा। उषा पवार ने चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि मैंने मध्यस्थता केंद्र की जबलपुर विधिक प्राधिकरण से ट्रेनिंग ली है और आज मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर मुझे ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र दिया गया है और आज से ही हमने इस कार्य का शुभारंभ कर दिया है। शुभारंभ के इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद जैन, जिला विधिक सहायक अधिकारी दिलीप सिंह मुसलदा, सुश्री निशा बुद्धि सिंह सिंगर, शोभा सोलंकी, श्रीमती मीरा सिकरवार, गीता राठौर, राजेश शर्मा, विजय पालीवाल, राजेश जायसवाल आदि बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी विशेष रूप से मौजूद रहे। तो जब तीनों का हिस्सा है तो आप लोग ऐसा कर लो कि तीनों लोग मिल बैठ के बांट लो, तो फिर बहुत सारी चीजें निकल के आती। उन्होंने कहा हमारी दो इन्होंने पूरी चल संपत्ति जितनी थी, सोना चांदी जितना था, वो इन भैया ने रख लिया, हमें तो कुछ नहीं मिला है। अकेले मकान का हमें रख लिया, जमीन उन्होंने पूरी जमीन, उस गांव की जमीन थी वो एक भाई ने ले ली। तो इस तरीके से जब पूरी समस्याएं हम लोग बैठ के समझाते हैं, फिर उसमें से हल निकलता है, वास्तविकता निकलती है और फिर हम किसी निष्कर्ष पे इस मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से हम उनको न्याय दिला सकें। वैसे भी ये भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है, यह अनवरत शिक्षा का कार्य चलता रहता है। उसी कड़ी में आज हमने विधि के क्षेत्र में भी कुछ जानने का प्रयास किया और जैन साहब ने हमारा उमदा मार्गदर्शन दिया, मुजालदा जी ने हमें इस मध्यस्थता केंद्र के बारे में बताया। केंद्र खोला गया जबलपुर द्वारा, मान्यता द्वारा ये प्रशिक्षण लिया है मैंने, खोला है। जो कोर्ट में जो लंबे लंबे केस चलते हैं उनको निपटारा नहीं हो पाता और महिलाओं को जा नहीं पाती, इसलिए इस मध्य में जगह जगह छोटे छोटे ऑफिस खोले गए हैं और उन लोगों को समस्या हल हो सके, इसलिए यहाँ पर खोला गया है। जो घरेलू महिलाओं को तलाक का है, आपसी पति पत्नी का झगड़ा है और बच्चों के साथ में जो हादसा गलत होता है, उनके द्वारा बच्चियों को भी कुछ उसकी सहायता मिल जाए।